दोस्तों, कभी कभी सर्द गर्म मौसम होने की वजह से शरीर में कहीं भी पित्तियां निकल जाती हैं। शरीर में इस तरह से लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं जिनमें खुजली की समस्या होती है। आमतौर पर जो पित्ती होती है वो 24 से 48 घंटों के अंदर खत्म हो जाती है, पर कभी कभी ये हफ्तों दिन लगा देती है शरीर से गायब होने में, या फिर महीनों भी लग जाते हैं। कई बार ये थोड़ी सी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, पर बहुत ज्यादा जब पित्ती हो जाए तो तभी आप डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज अगर पित्ती की शुरुआत है तो फिर आप जो है बहुत ही आसानी से घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो आज मैं भी पित्ती की समस्या से निपटने के लिए घर पर ही ढेर सारी होम रेमेडीज का वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो हमारी जो पहली रेमेडी है दोस्तों, वो है अजवाइन को लेकर। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, और अजवाइन को हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे मोटर पेस्टल से भी, हाथों से भी कूट सकते हैं। अजवाइन जो होता है वो हर किचन में अवेलेबल होता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत ज्यादा होते हैं। अजवाइन को हमने डाला है मिक्सी के जार में और इसको हम पीसते हैं दरदरा। हमारा यहाँ पर ये अजवाइन का पाउडर बनकर तैयार है। अगर आपको पित्ती की समस्या ज्यादा दिन से हो रही है तो आप इस दवा को ज्यादा दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं, जिससे कि आप प्रिकॉशन के तौर पर इसको खाते रहें। इसके साथ ही साथ जितना हमने अजवाइन लिया है उतना ही हमें यहाँ पर गुड़ चाहिए होगा। जैसे हमने 1 चम्मच अजवाइन लिया है तो हम 1 चम्मच ही गुड़ का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक दूसरे तरीके के गुड़ का यूज करने वाली हूँ, देशी गुड़ जो होते हैं, जो थोड़ा सा गीला होता है। अगर आपके पास देशी गुड़ नहीं है तो आप इस तरह के सिंपल गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। जो भी गुड़ आपके किचन में अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिए और फिर इस तरह से किसी क्रशर से इसको क्रश कर लीजिए। यानी कि यहाँ हमें चाहिए जैगरी का पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर हम तैयार करेंगे और उतना ही लेंगे। पहले आप अच्छे से क्रश कर लें और फिर स्पून से नाप कर जितना आपने अजवाइन लिया है उतना ही आप गुड़ ले लीजिए। उसके बाद से जो है हम बनाएंगे यहाँ पर इसकी एक बढ़िया सी दवाई, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, जिसे आप आराम से सुबह शाम पानी के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरे टाइप की गुड़ का यूज कर रही हूँ, वो गुड़ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए मैं जिस गुड़ का यूज कर रही हूँ उसको ऑर्गेनिक गुड़ भी बोलते हैं, सॉलिड जैगरी के नाम से आता है। मार्केट में ये जो है इस तरह से डिब्बे में पैक आता है और ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट होता है। इतना गीला होता है कि आसानी से आप स्पून से निकाल कर इसको खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। साथ ही वेट लॉस में बहुत काम आता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिंपल गुड़ का यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही वाला गुड़ यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने अजवाइन ली है उतना ही हम गुड़ ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के गुड़ ले लिया है और दोनों चीजों की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस गुड़ को जो है अजवाइन के साथ, यानी कि अजवाइन के पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए आप हाथों का यूज करना पड़ेगा क्योंकि स्पून से बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं होता, क्योंकि गुड़ आप देख रहे हैं कि गुड़ का किस तरह से सॉलिड फॉर्म में है। इसे आप जो है अच्छे से मिक्स करिए। अगर आपने सॉलिड वाला गुड़ यूज किया है और आपको लगता है कि इसका जो है वैसा मिक्सचर नहीं तैयार हो रहा है जैसा मैं बता रही हूँ, तो फिर आप उसमें हल्के से देशी घी का भी यूज कर सकते हैं उसको गीला करने के लिए, या फिर हल्के से पानी के छींटे दे सकते हैं, जिससे गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा तो आप आसानी से इस दवाई को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हाथों की हेल्प से ही अजवाइन और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करते करते ही आप देखेंगे कि अजवाइन जो है गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये गुड़ जो होता है ये अजवाइन को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लेता है, क्योंकि दोनों चीजों की क्वांटिटी सेम है। इसको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। तो कुछ इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए होगा गुड़ और अजवाइन का। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मुनक्के के साइज की गोलियां होती हैं उतनी बड़ी बड़ी गोलियां हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक मुनक्के के साइज की गोलियां बनानी है और यहाँ पर इतने मिक्सचर में हम कुल जो है 5 से 6 गोलियां बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप 50 ग्राम अजवाइन लेते हैं तो आप जो है कम से कम 16 से 20 गोलियां तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस 1 चम्मच मिक्सचर से 6 गोलियां बनकर तैयार हो रही है। अब हमको इनको लेना कैसे है वो भी मैं आगे आपको बता देती हूँ दोस्तों। ये गुड़ और अजवाइन की जो एक एक गोली है ये हमें एक एक टाइम पर लेनी है। आप जो है सुबह खाली पेट इस गुड़ की गोली को ले लीजिए, पानी पी लीजिए गुनगुना, और शाम को भी इसी तरीके से एक गोली ले लीजिए और फिर जो है आप पानी पी लीजिए। तो ये जो हमारी दवाई तैयार हुई है ये कुल 3 दिनों की है। अगर आपको पित्ती की समस्या 3 दिनों से ज्यादा रहती है तो इस दवाई को आप हाथों हाथ बनाकर यूज कर सकते हैं। इस गोली को बनाकर आप फ्रिज में रखिए, नहीं तो गोलियां आपस में चिपक जाती है। ये अजवाइन और गुड़ की गोलियां पित्ती में बहुत ज्यादा लाभदायक है, तो ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करिएगा और सुबह शाम जरूर लीजिएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट रेमेडी पर आते हैं दोस्तों, जो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक हर घर में होती है, हर फ्रिज में होती है दोस्तों। ऐसी ही रेमेडी में लेकर आती हूँ जो कि आपके किचन में मिल जाए। तो यहाँ पर जो है हम अदरक लेंगे। अदरक का आप रस भी निकाल कर इस दवाई को बना सकते हैं या फिर अदरक को आप पीस कर भी इस दवाई को बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अदरक का सॉलिड टुकड़ा है, साथ ही मेरे पास अदरक जो है थोड़ी सी एकदम बढ़िया से बारीक कटी हुई पड़ी है। तो मैं यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए उसका यूज करने वाली हूँ।
तो यहाँ पर ये जो जिंजर है ये मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, एक पेस्ट तैयार करेंगे मोटर पेस्टर में ही, हल्का से इसको जब कूट लेते हैं तो बढ़िया सा अदरक का पेस्ट रेडी हो जाता है। आप मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं या फिर क्रशर से भी आप इसको अच्छे से क्रश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हमारे पर अदरक का एक बढ़िया सा पेस्ट चाहिए होगा। तो देखिए हमारा अदरक का एक बढ़िया सा एक चम्मच भर के पेस्ट रेडी हो चुका है। ये रेमेडी मैं एक चम्मच के हिसाब से बता रही हूँ। अदरक को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अदरक का पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हनी यानी कि शहद। शहद भी आपके किचन में अवेलेबल होता होगा अगर आप होम रेमेडीज ट्राई करते होंगे, बहुत ही यूजफुल चीज होती है शहद। तो यहाँ पर हमने लिया है एक चम्मच अदरक और एक ही चम्मच हम यहाँ पर शहद का यूज करने वाले हैं। शहद अगर देसी है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाते हैं और ये जो हमारा मिक्सचर है ये बन के 2 चम्मच लगभग तैयार हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ पार्ट दिन में एक बार लेंगे। इस तरह से ये पार्ट जो है हमारा दिन में 2 बार काम आएगा। दिन भर में 2 से 3 बार आप इसको लीजिए और इसको लेने के बाद आपको इसके साथ क्या करना है वो भी आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से पेस्ट बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसका हाफ चम्मच जो है आपको दिन भर में 2 से 3 बार लेना है। पित्ती की समस्या ज्यादा है तो आप 3 बार लीजिए, अगर नॉर्मल है तो आप 2 बार लीजिए। तो इस तरह का पेस्ट बनाकर हमको रेडी कर लेना है। अब इस पेस्ट को जो लेने के बाद दोस्तों जब हम इस पेस्ट को खाएंगे तो इसके बाद से हमें बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल 2 घूंट पानी पी लेना है जिससे ये हमारे गले से नीचे उतर जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो ये दवा असर नहीं करेगी। सिंपल 2 घूंट पानी पीना है, 2 से 3 बार आपको ये दवाई ट्राई करनी है पूरे दिन में पित्ती की समस्या होने पर। तो ये रेमेडी जो है बहुत काम की है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। पित्ती की नेक्स्ट रेमेडी दोस्तों मैं लेकर आई हूँ त्रिफला चूर्ण को लेकर। जी हाँ, त्रिफला चूर्ण जो होती है वो इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक गुण होते हैं ये, जो है ऐसे भी खाने के काम आती है या फिर बाल वगैरह भी वॉश करने में काम आती है। त्रिफला चूर्ण में 3 तरह की चीजें मिक्स होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लिया है। अब इस त्रिफला के चूर्ण में हम अभी बहुत थोड़ा सा ही शहद को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के ही लगभग शहद ले रही हूँ। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, अगर लगता है कि हमें शहद की और जरूरत है तभी हम शहद डालेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ड्राई ही है। अब मैंने क्या किया है, इसमें वापस से थोड़ा सा शहद 1/2 चम्मच और ऐड किया है और बस इतना शहद डालते ही हमारा एक लिक्विडी सा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से जब तक त्रिफला चूर्ण शहद के अंदर मिक्स ना हो जाए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद से ये जो दवाई है इसे भी हमें सुबह शाम इसी तरीके से 1-1 चम्मच लेना है। बनने के बाद ये 2 चम्मच हो गई है, तो यानी कि ये हमारी 1 दिन की दवा है। जिसे भी पित्ती की समस्या है उस पेशेंट को आप 1-1 चम्मच ये दवाई खिला दीजिए। उसके बाद से जो है आप हल्का सा पानी पिला सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि पित्ती की समस्या कैसे दूर होती है। दोस्तों पित्ती का प्रॉब्लम वही समझ सकता है जिसके बॉडी पे ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से होम रेमेडी आप ट्राई करिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी दोस्तों बहुत ही सिंपल सी है, इसे करना बहुत आसान है, इसे कोई भी कर सकता है जिसे भी पित्तियों की समस्या हो रही है। इसके लिए हम 1 बर्तन में 2 गिलास पानी ले लेंगे। बर्तन आप वही यूज करें जो कि आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं। 2 गिलास हमें नॉर्मल पानी लेना है, गर्म पानी भी नहीं लेना है। और इसके बाद से जो है इस पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच खाने वाला सोडा। जी हाँ, जो जिसको कि हम बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर जो है खाने वाला सोडा या फिर कुछ लोग इसे मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। ये वही चीज है जो हमारे किचन में हमेशा इजीली अवेलेबल होती है। सोडा डालकर पानी को अच्छे से मिला लीजिए सोडा के अच्छे से मिक्स होने तक। अब इस पानी से हमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद से हमें लेना है कोई सॉफ्ट टुकड़ा, कोई भी हैंकी आप ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं या फिर कॉटन का कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं। इसको लेने के बाद इस कपड़े को हमको यहाँ पर इस पानी में डिप करना है, उसके बाद से इसको स्क्वीज कर लेना है। और उसके बाद से जो है इसी कपड़े से जहां पर भी पित्ती हो रही है, जहां पर भी पित्ती होने की समस्या है किसी भी को भी, उसे आप हल्के हल्के से स्पंज कर दीजिए। अगर पूरी बॉडी पर है तो आप पूरी बॉडी पर भी ये सोडे वाला पानी स्पंज कर सकते हैं। उससे जो है आपको पित्ती में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको बॉडी पर कहीं भी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जिनमें खुजली होती है, उस टाइम पर भी आप बेकिंग सोडा का ये पानी बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है। इस तरह से जो है आप पूरी बॉडी पे स्पंज करिए दिन भर में 2 से 3 बार। उससे जो है जो पेशेंट है उसे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये जो बेकिंग सोडा का पानी है ये अमृत तुल्य होता है पित्ती के लिए, इसे जरूर ट्राई करके देखना। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और छोटी सी रेमेडी की तरफ, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ देशी घी का। ये जो देशी घी होती है ये घर में इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपके पास गाय का देशी घी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो गाय का देशी घी होता है वो किसी भी आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करता है। तो हम सबसे पहले गाय का देशी घी ले लेंगे 1 चम्मच।
इसके बाद से इस देशी घी के साथ हमें लेना है एक चुटकी या दो चुटकी, आप बोल सकते हैं सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक जो व्रत में खाने वाला नमक है, जिसको इंग्लिश में रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो नमक हम यहाँ पर दो चुटकी लेंगे। और उसके बाद से घी के साथ नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे नमक की कोई डली ना रहे। अब हमें करना क्या है, इस देशी घी से हमें जहां पर भी पित्ती है जिस इंसान को, उस घी से उस जगह पर हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। जैसे ही हम मालिश करेंगे तो जो है उस इंसान को बहुत ज्यादा आराम आएगा। अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। उसके बाद से मालिश करने के बाद जो हमारा पेशेंट है उसको आप अच्छे से कंबल उठाकर सुला दीजिए। उससे क्या होगा, पसीना आएगा दोस्तों। पसीना आने के बाद उसके क्या होगा कि पित्तियों में आराम आ जाएगा। ये काम आप दिन भर में 2 से 3 बार करिए तो पित्ती में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। देशी घी के साथ नमक की मालिश जरूर एक बार करके देखिएगा, जो खुजली होती है वो भी दूर होती है। साथ ही जो पित्ती की समस्या है, जो लाल लाल रैशेज होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी भी ये समस्या इससे दूर होती है। तो दोस्तों आज की रेमेडी आई होप आपको पसंद आई होंगी, और रेमेडी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।